मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के सोलापुर में मुंबई की जुड़वा बहनों ने एक ही युवक से आयोजित समारोह में शादी कर ली। दोनों बहनें पेशे से आईटी इंजीनियर है। इस शादी समारोह का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 494 के तहत दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि ये शादी वैध नहीं है, जब तक पति और पत्नी जिंदा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन इस शादी से अतुल के परिवार वालों को, रिंकी और पिंकी के परिवार वालों को कोई तकलीफ नहीं है। दोनों बहनें एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए दोनों ने ही एक ही युवक से शादी करने का फैसला लिया था। रिंकी और पिंकी ने बताया कि वो दोनों अतुल को काफ़ी अरसे से जानती थी और जब एक बार उनकी माँ की तबीयत बिगड़ी थी तो अतुल ने ही उनके अस्पताल पहुँचाने में मदद की थी। रिंकी और पिंकी के पिता का देहांत होने के बाद से वो दोनों ही अपने माँ के साथ रहती थी। इस शादी का वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे वैध मान रहे हैं तो कई अवैध।